नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। प्यार, शांति, खुशी का संदेश देता है क्रिसमस। पूरी धूमधाम के साथ, पूरी दुनिया देश के साथ रीवा में भी मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। लव, पीस और जॉय के संदेश को देता हुआ क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस के पर्व पर शहर के सभी चर्च में सुबह से ही तमाम धर्म के लोगों का आना जाना लगा रहा। शहर के सबसे पुराने शांति कुटीर चर्च में फादर ने विशेष प्रार्थना की। इस मौके पर फादर ने देश दुनिया की खुशहाली, समाज की तरक्की, सभी के लिए योगदान, हाथ बढ़ाएं, सबको योगदान हो देश की उन्नति में। फादर का कहना था, तीन चीज़ें याद रखिए, लव, पीस और जॉय। लव यानी प्यार, पीस यानी शांति, अगर यह दोनों रहेगी तो जॉय यानी खुशी आपके पास हमेशा रहेगी। पूरी दुनिया 2023 सालों से ईसा मसीह को याद करते हुए इसी सूत्र पर काम कर रही है। जिस तरीके से क्रिसमस का त्यौहार यहाँ पर मनाया गया, हम आपको बता दें, 72 साल से एक ही जगह पर रीवा में मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्यौहार। 1952 में स्थापना की गई थी शांति कुटीर चर्च की। इसके बाद से हर साल यहाँ पर क्रिसमस के मौके पर बच्चों के द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। 1984 में इसी जगह पर फ्रॉमेंस मेमोरियल स्कूल की स्थापना भी कर दी गई। वर्तमान में इस स्कूल में 1500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, जिसमें से लगभग 150 बच्चे इस स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई करते हैं। रीवा के सभी चर्च में आज खास तौर से पूजा की गई। सर्वाधिक पुराने चर्च शांति कुटीर चर्च में सुबह से ही ईसाई धर्म के मानने वालों के साथ शहर के तमाम लोग मौजूद रहे। सब ने मिलजुल कर क्रिसमस का त्यौहार मनाया, एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी, प्रभु को, यीशु को याद करते हुए गीत गाए। बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर आकर्षक झांकियों की सजावट की गई, जो एक खुशनुमा माहौल में अलग ही छटा बिखेर रही थी। 2023 साल हो गए, आज भी लगता है कल की बात है। हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। यह दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कुछ खास झलकियां रीवा में क्रिसमस के पर्व को लेकर। लेकिन यीशु तुझ में एक आशा है राजा, वही आशा खुदावन तेरी आवाज को सुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक जन जब अपने जीवनों के अंदर पिता परमेश्वर वो अनुभूति को लेकर हम चलने पाए प्रभु, सारा धन्यवाद, सारी स्तुति, सारा आदर, सारा मान, सारा गौरव, सारी तारीफ, सारी बड़ाई, सारी प्रशंसा यीशु राजा आज के इस दिन में हम आपके नाम को अर्पण करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में अर्पण। हम सब अपने स्नान को ग्रहण करें। पहले यहाँ पर प्रभु यीशु का नाम लेकर हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे और वो चर्च रहेगा, लेकिन मेरे बेटे को कहा, बेटा यहाँ एक चर्च बना देना क्योंकि संख्या अधिक हो रही है। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हम सब लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जो है ये देन है, हमारे लिए वरदान है। जैसा मैं आपको छोटा सा इतिहास बताता हूँ, प्रभु की आत्मा अगर आप में है, प्रभु की पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो निश्चित रूप से आप घर में भी रहोगे तो भी वो उसको आपको आशीष मिलेगी। ये मैं यहाँ से गारंटी शब्द जो बड़ा कॉमन हो गया आजकल, गारंटी,
और मैं भी आपको गारंटी देता हूँ कि अगर सच पहले वहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर आके बैठ जाइए, आगे जगह है आ जाइए, सामने आ जाइए, माफ़ करना, इसके अरेंजमेंट करने के बाद भी संख्या अधिक है, इधर और जगह खाली है, आ जाइए बहने, तुम आ जाइए, आ जाइए। मैं सामने नहीं झुकेगा, प्रभु के सामने जब अपना सिर झुकाते हैं तो निश्चित रूप से वह हमारा सिर ऊंचा करेगा, किसी के सामने हमारा सिर नहीं झुकेगा। केवल सचमुच एक ही परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर ईश्वर के नाम से केवल हमारा सिर झुकेगा। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आप लोगों को परमेश्वर का वचन बांटने के पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि ये पहली बार आप लोगों ने देखा कि पहली बार हम चर्च भवन छोड़कर हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि मुझको मालूम था कि रीवा शहर में प्रभु यीशु का नाम, प्रभु यीशु को मानने वाले लोग, इनकी अधिक संख्या बढ़ रही है। मैं जब आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं रीवा शहर में आया 1977 में, तो यहाँ पर केवल 6 लोग केवल ईसाई थे, प्रभु यीशु को मानने वाले थे। उनको रीवा के सभी भाई बहनों को इस जयंती की मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज परमेश्वर ने फिर से एक नया क्रिस्ट जयंती का पर्व मनाने के लिए हमें मौका दिया है। आप सभी को क्रिस्ट जयंती की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। क्या महत्व इस दिन का, क्या खासियत रहती, कैसे मनाया जाता है? क्रिस्ट जयंती का महत्व यह है कि आज आपको मालूम है कि सारे दुनिया में 90 लोग लगभग यीशु मसीह के अनुयायी हैं, और ये पूरे रीति से हमेशा हर राष्ट्र को ये रहती है जो प्रभु यीशु को मानने वाले कि दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, ये उसका संदेश है प्रभु यीशु मसीह का। और जैसा हमको खुशी चाहिए, तो खुशी का मतलब ये है कि केवल परमेश्वर हमको दे सकता है, मानव नहीं दे सकता है, इसलिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ रहते हुए वो शांति का संदेश जो उसने दिया उसके ऊपर हम अमल करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। आज के दिन आपको मालूम है कि पूरे महीने भर से तैयारियां की जाती है, क्रिसमस ट्री है या जो भी अलग अलग प्रकार के पकवान घर में बनते हैं, उसमें भुजिया भी होता है। अपने भारतीय पकवान जो बनते हैं, कोई केक का कोई महत्व नहीं रहता है, लेकिन एक केक फैशन हो गई है। लेकिन हमारे देश में आज भी हमारे जितने अनुयायी हैं, तो वो अपने भारतीय परंपरा के अनुसार वही पकवान बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, घरों में जा जा कर सुसमाचार सुनाते हैं कि क्रिस्ट जयंती का पर्व हम मनाते हैं। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।